एक चीज इमरान खान ने जो हैमर की और जो लोगों ने उपाय किया वो उनका एहतसाब का नारा था, लेकिन आए आए आप 3 साल में इनकी कारकर्दगी देखें। एहतसाब का मेन जो अगर उसको कामयाब आपको करना है, जो उन्होंने खुद कहा कि अगर एहतसाब को कामयाब होना है तो आपको अपने आप से शुरू करना है, आपको अपने खानदान से शुरू करना है, अपनी काबीना से शुरू करना है, अपनी जमात से शुरू करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं अगर आप करते और सिर्फ आप मुखालफों को और आप अपोजिशन को इसका निशाना बनाएंगे तो वो एहतसाब नहीं कहलाएगा, वो इंतकाम कहलाएगा। अब आप शुरू करें इनके एहतसाब की बयानियां क्या है और एक्शन क्या है, इसमें तजाद देखें। सबसे पहले जो पहला एहतसाब ब्यूरो जो उन्होंने बनाया वो खैबर पख्तूनख्वा में था 2013 वाली इलेक्शन में, और पहला एहतसाब ब्यूरो जो उन्होंने बंद किया वो भी खैबर पख्तूनख्वा में था, और पहला जो चेयरमैन उनके एहतसाब ब्यूरो था उसको उन्होंने खुद घर भेजा। अब मुझे बताएं कि इनकी कमिटमेंट क्या सिर्फ इस हद तक है कि हम वफाक में एक नैब के जरिए अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाएं, और जो इदारा जो इनकी अपनी गवर्नमेंट को की ओवरसाइट करे उसको आप ताला बंद कर दें उसका और उनको घर भेज दें। तो पहला तो इनके ये एक्सपोज हुआ इनका दोहरा मयार। उसके बाद मैं बिल्कुल, हमें यहां पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं जरूर कहूंगी क्योंकि खान साहब ने खुद कहा मेरे घर से शुरू करें, तो पहला एनआरओ जो मिला वो उनकी बहन को मिला, जिनको जिनकी फॉरेन प्रॉपर्टी बाहर थी और नहीं पता कि वो किस व्हाइट मनी ब्लैक मनी के साथ थी, लेकिन उनको कोर्ट के जरिए एक एनआरओ मिल गया आराम से। फिर ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि खान साहब की अपनी जो प्रॉपर्टी थी बनीगला में वो भी कोई उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं थी, लेकिन वहां भी उनको एनआरओ मिल गया।